स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइनिंग बिरला में आप सभी का फिर से, है ना। तो जो चैनल में नए होंगे उनके लिए मैं पहले बता दूं, SCCL का सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियो तो कहाँ तक हो गया है इसको देख लेते हैं। ठीक है, गाइस स्टार्टिंग हमारा डिफिनेशन से था, ये हो गया है। जो नए होंगे देख लीजिएगा, ड्यूटी भी ये भी हो गई है, 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 और ये। ठीक है, यहाँ से कुछ छूटते हैं, देखते हैं क्या छूट रहा है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का भी वीडियो अपलोडेड है, देख लीजिएगा। तो अब यहाँ से छूटता है 2 पॉइंट, एक ये छूट रहा है और ये। तो आज का जो टॉपिक है, सॉरी प्रिकॉशन हो गया है, ये नहीं छूट रहा है, ये छूट रहा है। ठीक है, ये नहीं हुआ है, एक्सट्रैक्शन कॉल अदर देन बोर्ड एंड पिलर, ये और ये दोनों कंप्लीट कराते ही ऊपर का सारा कंप्लीट हो जाए। तो आज का वीडियो यही है, उसके बाद नीचे भी काफी कुछ हो गया है, नीचे लगभग सब खत्म है। एक SOP छूटा हुआ है और ये अगला वीडियो इसी पे बनाएंगे, उसके बाद पूरा सिलेबस आपका टेक्निकल का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस वीडियो करने शुरू करने से पहले मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया है SCCL का, अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर ये है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाया गया SCCL का जो है, और प्राइस है 300। ठीक है, आपको सेट मिल जाएगा, मेरे को कॉन्टेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है ये, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो आज का जो टॉपिक जो था उसको शुरू करते हैं। तो टॉपिक ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉल। ठीक है, तो यही है हमारा टॉपिक। तो गाइस ये क्वेश्चन, यहाँ पर जो टॉपिक का क्वेश्चन है यही उठ रहा है कि कोयला जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो निकालेंगे, वो बोर्ड एंड पिलर्स ना करके कोई और मेथड से निकालना है। तो यही है टॉपिक। तो बोर्ड एंड पिलर छोड़ के और कितने तरीके हैं कोयला निकालने का, रूम एंड पिलर। ठीक है, दूसरा क्या है, लॉन्ग वॉल से निकाल सकते हैं। ठीक है, दो तरीके और हैं जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें रूम एंड पिलर लॉन्ग वॉल नहीं पढ़ना, रेगुलेशन में एक टॉपिक है पूरा का पूरा सेम टू सेम यही लिखा हुआ है और यही हमारा सिलेबस है। तो इसमें से ज़्यादा कुछ दिया नहीं है रेगुलेशन में, 2-3 पॉइंट है उसको हमें जानना है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, डेवलपमेंट या एक्सट्रैक्शन शैल बी डन विदाउट परमिशन ऑफ
तो यही है पहला पॉइंट। यानी कि वॉलंटियर के अलावा अगर आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं तो नो डेवलपमेंट या स्ट्रक्चर कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा या कोयला नहीं निकाला जाएगा विदाउट परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। TGMS का जो चीफ इंस्पेक्टर है उसके परमिशन के बिना नहीं निकाला जाए। दूसरा पॉइंट बोलता है एप्लीकेशन फॉर सबमिशन शैल बी अकॉम्पेनाइड बाई टू कॉपीज ऑफ अप टू डेट ऑफ द प्रोपोज्ड एरिया। तो एप्लीकेशन के साथ साथ उसे दो कॉपी और भेजना है, वो भी अप टू डेट होना चाहिए, यानी कि जिस दिन भेज रहे उस दिन का भी डाटा चाहिए। किस एरिया का? प्रोपोज्ड एरिया, यानी जिस एरिया में आपको काम करना है। ठीक है, लक्ष्य के साथ साथ डेवलपमेंट निष्करण इस हद तक किया जाए इसका भी विवरण चाहिए। यानी नक्शे में आपको ये भी बताना है कि कहाँ तक हमारा एक्सट्रैक्शन होगा कोयला का, कहाँ तक हम लोग काम लेंगे। तो उस एक नक्शा भेजना है, दो कॉपीज ऑफ टू डेट प्लान जो रहेंगे और एप्लीकेशन उसके साथ साथ भेजा जाएगा। तो गाइस इससे क्वेश्चन दो ही तीन उठते हैं कि अदर देन बोर्ड एंड पिलर मेथड से अगर हम लोग कर रहे हैं तो परमिशन किससे रिक्वायर्ड होगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। और इसके साथ कितने कॉपी अप टू डेट भेजा जाते हैं? टू कॉपी। और कहाँ कहाँ एरिया का भेजा जाता है, जो वर्किंग एरिया है जहाँ पर काम करेंगे उस पूरा एरिया का डिटेल। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगर और अदर्स में चाहते हैं कि इतना में ख़त्म नहीं होता है सर, तो आप रूम एंड पिलर की ओर चले जाइएगा और लॉन्ग वॉल दो चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि रेगुलेशन के हिसाब से आपको इतना ही जानना था, दो ही पॉइंट। एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो ये दोनों आपको पढ़ना होगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। लॉन्ग वॉल का वीडियो तो मैंने डाला ही, आप लॉन्ग वॉल देख सकते हैं। रूम एंड पिलर बोर्ड एंड पिलर की तरह है, इसका हाइट विड्थ जो है उसका जानकारी आप ले लीजिएगा, रूम एंड पिलर में क्या होता है। ठीक है, और ये मेटल माइंस में चलाया जाता है रूम एंड पिलर, इसकी जानकारी है। तो गाइस एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय अदर देन लिखा हुआ है, ठीक है, अदर देन बोर एंड पिलर मेथड कंप्लीट होता है। अब सिलेबस का दूसरा भाग देखते हैं, इसमें दो को इंक्लूड कर दिया क्योंकि एक में तो इतना छोटा था कि इसमें क्या वीडियो बनाते हैं। अब इसको लेते हैं, इसको लेते हैं ऊपर का सारा कवर हो जाएगा। तो यू जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, खान में काम करने वाले व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा संरक्षक सामान का उपयोग एवं व्यवहार। चलिए हेडलाइन देते हैं, यू जो PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, शॉर्टकट में PPE बोलते हैं। तो इसका यूज
जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि कितने टाइप के हमारे पास पीपीई मौजूद है हमारे माइंस में। उसके बाद जानेंगे उसका क्या काम है, कैसे यूज होता है। तो लिस्ट में बना देता हूँ। सबसे पहला लिस्ट में नाम देता हूँ हेलमेट। हेलमेट ट्रेनिंग करते समय सबने हेलमेट पहना है। उसके बाद देखते हैं सेफ्टी शू। सभी ने सेफ्टी शू भी पहना ही होगा। सेफ्टी शू के साथ साथ इसमें कुछ शू में बहुत प्रकार के बूट टाइप के भी होते हैं, और भी होते हैं गम बूट भी होते हैं। एंड ग्लव्स, गॉगल्स एंड में ले लेते हैं, वेल्डिंग सील्स, ये सब देखेंगे कहाँ यूज करते, किस प्रकार यूज करते हैं, इसका प्रोविजन क्या है चेंज करने का, सारा डिटेल आगे देखेंगे। पहले टाइप कर लेते हैं सब। डस्ट मास्क हो जाएगा आपका, एयर प्लग हो जाएगा, सिन गार्ड, घुटना टोपी इसको बोल सकते हैं, घुटने में लगाया जाता है। सेल्फ रेस्क्यूर एबीपीपी है। सेफ्टी बेल्ट और एक एडिशनल में है ओवरऑल। तो गाइस ये कुछ पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हेलमेट के बारे में सारा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। रेगुलेशन के जो अनुसार है, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन जो बोलता है ऑफिस, कैंटीन, तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन जो है ऑफिस, कैंटीन और क्रेज एक्सेट्रा जगह पर छोड़कर बाकी सभी जगह में आपको हेलमेट पहनकर ही जाना है, ठीक है। हेलमेट ओपन कास्ट, हेलमेट कहाँ कहाँ पहने जाएगा, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, कॉल हैंडलिंग प्लान में सीएचपी, वर्कशॉप के साइडिंग में जब वर्कशॉप में काम कर रहे हो उस समय भी आपको इसी जगह पर हमें हेलमेट पहनना है, ठीक है। तो कहाँ नहीं पहनना है और कहाँ पहनना है, ये सब जगहों के अलावा और भी जगह हैं वहाँ पहनना है, तो यहाँ ETC दे देते हैं। तो हेलमेट काफ़ी अच्छा सुरक्षा है जो हमारे सबसे कमजोर भाग यानी आपका जो सिर है सबसे कमजोर भाग रहता है हमारे शरीर को, तो बचाता है। तो
अब बात है कि ये सब तो हो गया, कहाँ पढ़ना है। अब जो है कि एक एम्प्लॉय को ओनर के द्वारा माइंस में टोपी कब कब दिया जाएगा, तो अंडरग्राउंड में जो है, अंडरग्राउंड माइंस में 3 साल में, 3 इयर्स में उसको एक बार टोपी दिया जाएगा, हेलमेट दिया जाएगा, और ओपन कास्ट में 5 साल के अंतराल में, ठीक है, एक बार दिया उसके बाद 5 साल के बाद आपको नया टोपी देगा। अब बात आती है हेलमेट की लाइनिंग। हेलमेट सभी ने देखा, नीचे जो रहता है आपका, जहाँ पर माथा माथा के ऊपर पहनते हैं, उसके ऊपर देखेंगे फीता टाइप से रहता है चारों तरफ, वो क्या करता है, उसका क्या काम है, और उसका आगे बताते हैं ये क्यों जरूरी है। उसको बोलते हैं हेलमेट की लाइनिंग। लाइनिंग ऑफ हेलमेट। तो गाइस हेलमेट का पिक्चर होना चाहिए था, तो बढ़िया समझ में आता, लेकिन हेलमेट सभी ने पहना है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हेलमेट का जो लाइनिंग है ना, हर 6 महीना में बदली जाती है, 6 मंथ में बदली जाएगी, वो फीता अंदर का जो भाग है फीता, उसको बदली जाएगी, कितने 6 मंथ में। और उस हेलमेट में कुछ अरेंजमेंट और है, जो फ्लेम सेफ्टी लैंप लगाने के लिए अरेंजमेंट दिया जाता है वो भी होना चाहिए, फ्लेम सेफ्टी केप लैंप हो रहे, केप लैंप लगाने के लिए एक जगह होती है, इसको इस तरह से बना होना चाहिए, और हेलमेट के चारों तरफ होल्स होने चाहिए जगह जगह पर, इस तरह का डिजाइन करने को बोलती है। अब बात करते हैं आगे की, सेफ्टी शू बूट गम गम बूट। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये जो डिजाइन बनाया जाता है, सेफ्टी शू बूट गम्स बूट, ये सब डिजीमेस द्वारा डिस्क्राइब रहता है। डिजीमेस जिस तरह से बोलेगा, तो प्रिस्क्राइब्ड बाय डीजीएमएस, ये सारे जितने भी रिक्वायरमेंट है डीजीएमएस के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि इसको कितने दिनों में बदला जाएगा, तो ये सब जो है शू वैलिडिटी 6 मंथ, वैलिडिटी करके लिख देते हैं, 6 महीना में नया नया जूता आपको मिल जाएगा, आप सेफ्टी ऑफिसर से कंसल्ट करके ले सकते हैं, ये सब सेफ्टी ऑफिसर के इंचार्ज में रहता है। और फीमेल की बात की जाए तो मेल के जूते देखा, फीमेल को अलग डिजाइन का सुविधा दिया गया है, फीमेल के लिए यही टाइम इंटरवल है, उसको अलग डिजाइन से बनाया गया फीमेल के लिए जूते। और ये जूता में आगे की ओर क्या रहता है, लोहा रहता है, आयरन रहता है, ताकि हमारा जो पैर का उंगली है वो काफी नाजुक है, उंगली नहीं रहेगा तो अच्छे से आप चलने में दिक्कत हो, तो ये जो शू होती है हमें बचाती है पैरों में डैमेज होने से। अब बात आती है कि गम्स बूट और बूट कहाँ यूज करेंगे हम लोग, तो तेल ग्रीज वाली जगह में काम करने वाले को, या फिर ट्रामर या टिंडल को, चमड़े का शू हर वर्ष दिए जाते हैं। तो अब जो है चमड़े के शू गम बूट जो सब चमड़े के होते हैं, उसका टाइमिंग इंटरवल क्या है, 1 ईयर, ठीक है, मैं हर साल दिए जाते हैं, किसको किसको दिए जाते हैं, किसको किसको, ट्रामर हो गए, ये सब कीचड़ या काम करते हैं, ट्रामर है आपका, टिंडल है, टिंडल भी बोलते सकते हैं इसको,
या गम बूट हटा देते हैं, क्योंकि गम बूट का कुछ और है, थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। गम सूट भी लिखा है, चल कोई नहीं, ये चमड़े का समझ लीजिए, चमड़े का सूट। तो चमड़े का जो जूता होता है सब टिंडल उंडल को दिया जाता है, और एक होता है गम बूट। उसका टाइमिंग इंटरवल जो है चेंज करने का 3 इयर्स, क्योंकि काफी महंगे है ये सब और काफी जल्दी खराब नहीं होता। गम बूट 3 ईयर में चेंज होगा, चमड़े का जूता 1 ईयर में होगा, और एक जो नॉर्मल शू है 6 महीने में होगा। ये 3 डाटा है जूते के लिए, आपको याद रखना। नॉर्मल शू पूछेगा तो अगर बोले गम बूट तो 3 ईयर याद रखिएगा। अब बात आती है दस्ताने की, हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स किसको प्रोवाइड किया जाता है? तो बिजली सब स्टेशन में जो होते हैं वो रबर की ग्लव्स यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन को दिया जाता जो सब स्टेशन में है, बिजली लाइन में काम कर रहे हैं, वो सबको दिया जाता है। केबल मैन को भी दिया जाता है, केबल खींचना रहता है तो नुकीले केबल भी रहते हैं, उसको भी ग्लव्स देना जरूरी है। ड्रामर के पास भी रहता है, वेल्डर वेल्डर के पास भी रहता है, एक्स्ट्रा रख लेते हैं। इतने लोगों के पास हैंड ग्लव्स रहते हैं, और ये सब जो है ग्लव्स या तो आपको सुरक्षा देगा इलेक्ट्रिक से सुरक्षा देने के लिए वो सारे बनाए जाते हैं, या तो फिर केबल मैन को तार खींचना रहता है तो नुकीले तार हैं तो उस ग्लव्स पहन के ही काम करेंगे। वेल्डर, वेल्डर काफी लोहा लोहा को वेल्डिंग करता है तो उसको भी काम पे आता है हैंड ग्लव्स, तो ये सब बंदे जो है हैंड ग्लव्स के साथ काम करेंगे। और इसका हैंड ग्लव्स चेंज करने का कोई प्रोविजन नहीं है, कितना महीना में दिया जाएगा, उसको लगता है कि अब हमारा हैंड ग्लव्स खराब हो चुका है तो चेंज कर लेगा, वो अपना दूसरा ले लेगा, मांग लेगा सेफ्टी ऑफिसर से, जहाँ भी इसका अरेंजमेंट किया गया है। अब है गॉगल्स यानी कि चश्मे और वेल्डिंग स्किल। तो हमारे जो चश्मे कहाँ काम आते हैं, किस एरिया में वेल्डिंग स्लिट्स जो है वेल्डिंग करते समय जो आगे की ओर रखा जाता है जहाँ वेल्डिंग किया, ताकि हमारे आँख में प्रभाव ना पड़े उसका, क्योंकि वेल्डिंग से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है, अपनी आँखों को डैमेज कर सकती है, इसलिए वेल्डिंग स्लिट आगे रख के वेल्डिंग किया जाता है। ठीक है, उसमें काफ़ी चिंगारी भी निकलती है, चिंगारी भी आँख में ना आ जाए, तो इसमें हम लोग जो है चश्मे यूज करते हैं और वेल्डिंग शील्ड भी यूज करते हैं, तो डबल प्रोटेक्शन हमारा रहता है। और लेथ मशीन में जो काम करता है उस बंदे को भी चश्मे दिए जाते हैं। ठीक है, और इसका कोई प्रिविजन नहीं है, चश्मा कब कब बदला जाएगा, उसको लगता है खराब है तो दूसरा पहनेगा। अब बात आती है डस्क मास्क की, तो डस्ट मास्क से पता चल रहा कि डस्ट एरिया में मास्क पहनना जरूरी है। तो हमारा जो परमिसेबल लिमिट है डस्ट का, तो उससे भी ज़्यादा कहीं डस्ट उड़ता है और उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। उस समय कंट्रोल कैसे करेंगे? डस्ट मास्क पहन के। तो जो हमारा जो डस्ट है मास्क रोक के रखेगा बाहर, और जो हमारा ऑक्सीजन की जो जरूरत है वो हमें मिल जाएगी, वो भी शुद्ध हवा के साथ। ठीक है, और ये सब यूज कौन करते हैं, किस एरिया में सबसे ज्यादा धूल होता है? ड्रिल ऑपरेटर जो होते हैं वो सब मास्क लगाते हैं, डोजर ऑपरेटर भी हो गया, यानी कि जिस एरिया में बहुत ज्यादा धूल है उस एरिया में काम करने वाले सभी व्यक्ति सभी पर्सन्स यूज करेंगे। एक्स्ट्रा कर देते, समझ गए हम कौन कौन यूज करेंगे। अब बात है ईयर प्लग्स, ईयर मफ्स। अब ये है क्या, ईयर प्लग्स कान में लगता है, और बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे मशीनरी चलती है, एक्स्ट्रा ओवर क्राउडिंग आवाज़ ये सब होती है,
उसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, उतनी आवाज़ तो देगी। तो उस समय हम लोग कुछ इक्वायरमेंट यूज करते हैं जिसको ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कान में लगती है और ज़्यादा नॉइज होगा तो फिर आपके कानों में इफेक्ट करेगा, हो सकते हैं भारी हो सकते हैं, कम सुनाई देने लगेगा, काफ़ी नुकसान होता है, कान के पर्दे भी पड़ सकते हैं। ये सब इक्वायरमेंट यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक राहत मिलती है। अब है सीन गार्ड्स। सीन गार्ड्स जो है घुटनों में लगाया जाता है, ठीक है, ये लॉन्ग वाल फेस में जो भी काम करते हैं सबको लगाना पड़ता है, और जो ऊंचाई में काम कर रहे हैं उसको भी लगाना पड़ता है, और कुछ बंदे जो होते हैं घुटने के बल बैठकर काम करते हैं, कुछ काम ऐसे जो घुटनों में बैठकर किया जा सकता है, वो सब भी सीन गार्ड लगाएंगे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं घुटना टोपी। ठीक है, हिंदी में जानना चाहते हैं घुटना टोपी। अब है सेल्फ रेस्क्यूअर। तो सेल्फ रेस्क्यूअर जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा सेफ्टी डिवाइस है, या PPE बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन में दिया हुआ है साफ साफ, इन रेगुलेशन साफ साफ दिया है कि अंडरग्राउंड में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं सभी को एक सेल्फ रेस्क्यूअर लेकर जाना है, लेकिन प्रैक्टिस में आप देखेंगे कोई लेके जाता नहीं। ये आपको बत्ती घर में मिल जाएगा, वहाँ पर सभी के लिए का रखा रहता है, उसको लेके जाना है, वन टाइम यूज होता है, एक बार यूज करेंगे तो हमेशा एक्सपायर हो जाएगा, और वैलिडिटी जो है 10 ईयर की होती है, वैलिडिटी 10 ईयर की होती है इसका, बट एक बार में यूज करना है, एक बार अगर यूज कर लें तो 10 साल से कोई मतलब नहीं है, वो एक्सपायर हो गया एक ही बार में। तो व्यक्ति जब दूषित हवा के एनवायरनमेंट में फंसता है, हमारे माइंड्स में गैसेस निकल रही है वो अधिक मात्रा में हो जाती है, कि आपका थ्रेशोल्ड लिमिट लिमिट एक्सेड कर गई है, तो उस समय एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, तो उस समय ये बचाता है। कैसे बचाता है, ये बाहरी एरिया से कोई मतलब नहीं रहता, बाहर हवा से, इसको एक बार लगाने के बाद आपका ऑक्सीजन उसी से मिला, KO2 से मिलता है, पोटासियम परोक्साइड बोलते हैं शायद इसको। ठीक है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन बनाती है, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे वो ऑक्सीजन बनाती है और हमें ऑक्सीजन देती है। तो इस तरह से हमारा सेल्फ रेस्क्यूअर काम करता है। ठीक है, और इसका जो यूज है 1 घंटा तक माइंस में यूज करते हैं, 1 घंटा तक ही बोला गया है, उसका टाइमिंग 2 घंटा है शायद, लेकिन 1 घंटा ही परमिशन दिया गया कि 1 आवर में आप निकल जाइए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको जीवित रखेगा। अब बात आती है सेफ्टी बेल्ट की, तो सेफ्टी बेल्ट कहाँ काम आता है, आप किसी ऊंचाई में काम कर रहे हैं तो एक सेफ्टी बेल्ट लगा कहीं जाना, तो ये एक्स्ट्रा सेफ्टी है। क्या है, एक्स्ट्रा सेफ्टी है, क्योंकि ऊंचाई से आप कभी भी गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उस समय हम लोग सेफ्टी बेल्ट लगा के परमिशन दिया जाता है कि आप ऊंचाई पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब हेड गियर का रिपेयर करते समय हमें ऊंचाई पर काम करना पड़ता है, कोई साफ के काफी को झड़ाई उड़ाई करना है तो उस समय पाइपलाइन में केबल का मरम्मत करना, ऊपर में केबल है, बिजली का पोल, सब में सैंड बंकर है, ओपन कास्टमैन में का से झड़ाई, यानी कि जहाँ भी एरिया हमारा हाइट पड़ता है उस एरिया में हमें सेफ्टी बेल्ट लगाना ही पड़ता है। ठीक है, तो सेफ्टी बेल्ट अगर लगा के रहेंगे, अगर हम लोग वहाँ से गिरते हैं तो सेफ्टी बेल्ट के द्वारा हम लोग लटक जाएंगे और हम लोग जमीन पर डायरेक्ट नहीं गिरेंगे और चोट लगने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, तो ये सेफ्टी बेल्ट यही है। और अब एक जो लास्ट है ओवरऑल सेफ्टी, तो ये सब शाफ्ट में यूज होता है, मोटे कपड़े दिए जाते हैं, हाई स्पीड वाला जो शाफ्ट होते हैं वहाँ पर वर्कर को मोटे कपड़े दिए जाते हैं, ताकि अगर केज हमारा किसी कारणवश अगर अनबैलेंस होकर गिरता है तो मोटे कपड़े रहेंगे तो शरीर में प्रभाव कम पड़ेगा, और बाकी
माथा के लिए हेलमेट है ही है, पैर के लिए शू है। तो गाइस यही है, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं ये टॉपिक में, तो इतना ही है इसमें। इसमें याद रखने के बाद काफ़ी कुछ था, इसको उम्मीद होगा आप नोट कर लिए होंगे। और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी से।